समझ समझ कुछ जान ले। दिल तुझे पुकारे पुकारे दिल का कहना मान ले। आँखों ही आँखों में इशारे कुछ समझ कुछ जान ले। बहके बहके मेरी नजर पाली उम्र का है ये असर। ओ हो ओ हो दिल तुझे पुकारे पुकारे दिल का कहना मान ले। आँखों ही आँखों में इशारे कुछ समझ कुछ जान ले। अगले पड़ाव पे आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द लवली रिशिता भट्ट एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आर विजन मिस्टर रविंद्र सिंह टू कम अप ऑन द स्टेज एंड हैंड ओवर द अवार्ड टू द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर ऑफ द ईयर। वी आर हियर टू अनाउंस द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स अवार्ड ऑफ द ईयर एंड the award goes to any guesses? Yeah, I heard something. Well, he's my favorite and the most talented, Ajay Kapoor. मामा, अरे तुम आजकल के बच्चों को खाने से क्या दुश्मनी है? सिर्फ खाने से ही नहीं, सुबह जल्दी उठने से भी दुश्मनी है।
अब अजय को ही देखो, अब तक नहीं आया। अरे ऐसे लोगों का तो आर्मी में कोर्ट मार्शल हो जाता है। प्लीज डैड, नॉट अगेन, नॉट दिस मॉर्निंग। बेटे, इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। शुरू हो जाते हैं आप भी आर्मी के किस्से लेकर। अरे मैं अजय की बात कर रहा हूँ, एक इसका बाप था जिसके डिसिप्लिन की हम आर्मी में मिसालें दिया करते थे। अरे ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर से आर्मी के किस्से? हाँ, सुनोगे? नहीं आंटी, आज प्रोड्यूसर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आई एम गेटिंग लेट। अरे अजय बेटे, नाश्ता तो करके जाओ। आंटी, आई कॉल यू, बाय। सर क्या कमाल की स्क्रिप्ट बनी है, एक एक कैरेक्टर क्या उभर के आए सर। गुड। और जो पूरा लुक है ना, बहुत ही ज्यादा अपमार्केट सर। और जो मोमेंट्स है ना सर, क्या बताऊं कि इतनी मेहनत की जब मैं नरेशन दूंगा। नो, नरेशन मैं दूंगा। और फिर हमारा हीरो हॉले से हीरोइन के पास आता है, रोमांटिक म्यूजिक प्ले करेंगे हम, यहां पत्ते उड़ रहे हैं, हीरोइन सहमी हुई है, हीरो हीरोइन को अपने पास खींचता है, और पास। इतने में हमारी हीरोइन आंखें बंद कर लेती है, दोनों के होंठ एक दूसरे के आमने सामने है सर, दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्मी को महसूस करते हैं, पर तभी हीरोइन का भाई बीच में आ जाता है। ये भाई हमेशा गलत वक्त पे क्यों आते हैं? ये भाई की एंट्री थोड़ी देर से नहीं हो सकती? हाँ तो लेट कर देंगे सर। अरे सर पर, और इस सीन में रखना कि दोनों भीगे हुए हैं। सर पूरी रात जागकर लिखते वक्त मेरे भी दिमाग में यही ख्याल आया था। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। मेहता साहब, हाँ जी। सफेद कपड़े जब बदन से चिपकते हैं तो ये नहीं सोचा होगा आपने? नहीं सर, बट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया सर। अरे मेहता साहब, वो तो बैठ के लिखने की आदत नहीं है मुझे, वरना कमाल का सीन लिख सकता हूँ मैं। और हाँ, वो जंगल वाले सीन में भागते वक्त लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे हुए होने चाहिए, कैसा है? वाह वाह सर, आपने तो पूरे सीन का फ्लेवर ही चेंज कर दिया। यू आर सो क्रिएटिव, यू आर जीनियस, जीनियस सर, जीनियस। ओके, वी मस्ट स्टार्ट दिस मूवी। श्योर सर, श्योर। सर, ये ऊपर क्या हो रहा था सर? क्या हो रहा था? ये किसिंग सीन, ये झरना, हर एक सीन में सेक्स एलिमेंट, इट साउंड्स लाइक अ सीक्रेट फिल्म। सर आप तो एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। यस, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। तो फिर आप इस तरह की फिल्म कैसे बना सकते हैं? अजय, इस लाइन में अभी तुम बहुत नए हो और मुझे इस लाइन में 40 साल हो गए, 40 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में मेरा। बेटे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे, ठीक है? सर मेरी स्टोरी का तो मर्डर कर दिया आपने। क्या कहा? तुम्हारी स्टोरी? ये तुम्हारी स्टोरी है? मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी स्टोरी में किसिंग सीन थे? नहीं थे ना? तुम्हारी स्टोरी में झरने थे? नहीं थे ना? तो फिर तुम्हारी स्टोरी कैसे हुई? चलो की थी मैंने यार, दिन रात एक कर दिया था स्क्रिप्ट के लिए, एक एक लाइन। I put in so much effort, Jia, in front of you. I wanted my first film to be a hit. वो साला मेहता प्रोड्यूसर के सामने ऐसा बन रहा था, उससे मेरी स्क्रिप्ट की ऐसी धजिया उड़ाएगी, I couldn't even do anything, यार। So damn helpless. Look, you can't give up like this, Ajay, huh? दूसरा मौका आएगा, सबर करो ना, someday you will reach your goal.
come on. मार, yes, उसके हाथ पे, come on, आज तो हाईएस्ट स्कोर करके ही रहूँगा। जिया, हाय। क्या बात है जिया? अपसेट लग रही हो? आज ये मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पल है, जिसे मैं अजय के साथ शेयर करना चाहती थी। मगर डोंट बी अपसेट यार, भूल गया होगा। वेल आई होप सो। एनीवे इट्स टाइम फॉर माय प्रेजेंटेशन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता, nobody can hack it. You are dead. Oh yes, I'm dead. How could I forget the meeting? भूल गया था। मेरे कैबिन में बैठते हैं। पर डैश है। शी इज अ जीनियस यार। Congratulations. It was a sexy presentation, I must say. Thank you. Congratulations, Jaya. Arey, I'm sorry main nahi aa paya. But I'm sure you achieved your goal. Jaya, I'm very sorry. Jaya. Aastha, tum meri software launch party mein aa rahi ho na? Arey, main bhi aa raha hu. Chal. Ye Aastha ko samjhana. Okay. Arey, Aastha, kisi aur ko saath mat lana. Invitees only. Invitees only. What the hell? Jia, I'm very sorry. तुम्हें तो पता है जब मैं लिखता हूँ मेरे को वक्त का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। Oh yeah. अच्छा एक बात बता। अगर हीरो शिप पे खड़ी हीरोइन को बचाने के लिए तैर कर जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से जाए तो ऐसा लगेगा ना कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिया कम ऑन, उसी सीन में दिमाग उलझ गया था मेरा यार। Oh God. वक्त का ध्यान ही नहीं रहा जिया, कम ऑन। She doesn't seem to listen. Bye. Yeah. Oh come on. Yeah, please यार। अच्छा डन, एक काम करो, तुम अपनी तरफ की दुकानों के नाम पढ़ो और मैं अपने साइड के शॉप के नाम पढ़ता हूँ। इससे हम दोनों की रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? I knew it. चार लाइनें ही तो लिखी हैं। फ्रॉड कहीं का। अजय भी ना। अजय का गुस्सा इस बेचारे मग पे क्यों निकाल रही हो? गुस्सा नहीं करते बेटे। गुस्सा नहीं हूँ माँ,
I'm just worried about him. उसने लिखना ही बंद कर दिया है. He's just obsessed with his gaming. Relax, बेटे. कुछ नए concepts, कुछ नए ideas तैयार करने चाहिए. एक director ने धोखा दे दिया. इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर director धोखा देगा. Coffee ठंडी हो रही है. देखो बेटे, अजय राइटर कैसा है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है. आई नो मम्मा. ओह मिसेस स्टीव, मिसेस सैम, वेलकम टू द पार्टी. चीयर्स सर. You wanna have one? No thanks. Okay, we'll share. It's really good. Yeah, yeah. क्या कर रहे हैं आप ये सबके सामने? कौन सा है ये? Scotch, of course. What a question. मैं drink कितने glasses पी चुके हैं ये पूछ रही हूँ आपसे. हम army वाले कभी किन के नहीं पीते. अब बस. Uncle having fun. ये क्या? दूध पी के celebrate करा? दूध? Uncle ये fruit punch है. अरे बनता तो दूध से ही ना. God, hard man. Be a man. Scotch, what a feel. This is Sam from Australia. Hi. Hello. We love your work, Miss Jia. Thank you. Don't forget our offer. You can join us anytime. Okay. You will be heading the department in Australia. Thank you, sir. But as I told you earlier, I would prefer to work in my own country. Oh, I totally understand. But consider it one more time. The door to my company is always open for you, Miss Jia. Thank you, sir. I really appreciate it. Take care. Thank you. Bye. Bye. पागल हो गई हो क्या? I don't believe this. तुमने ये ऑफर ठुकराया? And what was that? I would prefer to work in my own country. Oh my God. Jia, ऐसा बार-बार चांस नहीं मिलता है. Relax आस्था. मैं अजय और अपनी फैमिली को छोड़के कहीं नहीं जाना चाहती. तू और अजय. Wow. I mean, महान हो भारतीय नारी आप तो. तो मुझे इंट्रोड्यूस करवा देती. मेरा काम तो हो जाता ना. गुड मॉर्निंग सर. यस सर, वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बैठिए बैठिए. थैंक यू. शरद भाई, फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? बिल्डर के ऑफर के बारे में. बहुत ही अच्छा ऑफर है. हमारे ट्रस्ट की उस जमीन के लिए बिल्डर करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है. वो वहाँ एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं मोटा भाई. तीन ट्रस्टी मना कर रहे हैं, पर हम तीनों तैयार हैं. अब मीटिंग में आपके ही वोट से फैसला होगा. शाह साहब, वो जमीन ही बच्चों का पार्क है और चेयरमैन होने के नाते मैं बच्चों का हक छीनना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ मॉल नहीं पार्क ही बनेगा. एनीथिंग एल्स? मे आई कम इन सर? यस सीमा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ये चेक साइन करने थे. ये 5 लाख का डोनेशन वृद्धाश्रम के लिए. उनके लिए जो फ्रिज और टीवी वगैरह भेजे थे वो काम कर रहे हैं? विल चेक सर. और ये 10 लाख का सर सामूहिक विवाह के लिए. और ये 25 लाख का उस ट्रस्ट के लिए जो गांव में गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं. नहीं, फ्रॉड है ये लोग. ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रहे, बल्कि पैसा कमाने के लिए नर्सिंग होम बना रहे हैं. इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. अजय, तुम कब आए? सर बस अभी आया. ये रही आपकी ट्रस्ट की एनुअल मीटिंग की स्पीच सर. हाँ, थैंक यू. अच्छा लिखते हो, काफी टैलेंटेड हो. थैंक यू सर. तुम्हारी फिल्म का कुछ काम वाम शुरू हुआ या नहीं? नहीं सर, और शायद होगा भी नहीं. देखो अजय, जो लड़ते नहीं वो हार जाते हैं, इसलिए लड़ते रहो. एक दिन दुनिया तुम्हारी कदर जरूर करेगी. जी. हेलो सर. हाँ जी, एक काम था.
मेरे ऑफिस की युवा फाउंडेशन की वेबसाइट बनानी है, तुम ऑफिस आ सकती हो? नो प्रॉब्लम सर, आ जाऊंगी। और हाँ, कल शाम को तुम सबको म्यूजियम की ओपनिंग पार्टी में आना होगा, कर्नल साहब को जरूर कह देना। Constellation. अब इस म्यूजियम के सीईओ मिस्टर शर्मा आपको इस कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताएंगे। मिस्टर शर्मा। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि शरद जी ने आपको बताया, इस खूबसूरत और कीमती हार को कॉन्स्टेलेशन का नाम दिया गया है। इस हार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जड़ा हुआ हर एक हीरा बेदाग है। एवरी डायमंड इज फ्लॉलेस। और वो जो ब्लू डायमंड है, ये 1640 में 1640 में आंध्र प्रदेश के कोलूर माइंस में मिला था। 115 कैरेट वजन का हीरा है ये, और आज तक ऐसा हीरा कभी दोबारा नहीं मिला। जिस हार में ये जड़ा है, इस हार को ग्वालियर के महाराजा ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। उस समय इसका वजन, इसकी कीमत 150 किलो सोने के बराबर थी। ब्रिटिश राज में इसे चुराया गया, उसके बाद कई बार इसकी चोरी हुई, इसे खरीदा गया, बेचा गया, और आज हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट की बदौलत ये हमारे पास है, और अगले 2 महीने तक यही इसी म्यूजियम में रहेगा। इसके बाद देश के भिन्न भिन्न राज्यों में इसे एग्जिबिट के लिए भेजा जाएगा, जहां लोग हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन कर सकें और इस पर गर्व महसूस करें। सॉरी सर, ये जो अलार्म है, ये हमारे साउंड सेंसर सिस्टम का हिस्सा है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब भी कोई आवाज या कोई भी वाइब्रेशन इसके साउंड के डेसिबल लिमिट के ऊपर जाती है, तो ये साउंड सेंसर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और अलार्म बजने लगता है। दूसरे लेवल पर है ये लेजर बीम, जो हमेशा ऑन रहती है, एंड बिलीव मी, इट कैन बर्न एनीथिंग। और ऊपर के लेवल पर है एक इनविजिबल डोम, जो बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ। You don't believe me? देखो, ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, सामने कंट्रोल रूम है। इस सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के लिए 2 पासवर्ड हैं, एक अल्फाबेटिकल, एक न्यूमेरिकल, और वो दोनों के दोनों पासवर्ड हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वाओ, इंटरेस्टिंग। इनविजिबल डोम, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल पासवर्ड। हे अजय, हे। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। या मारो 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 उसे उसे लाल मारो उसे मारो फेंको चलो चिपके उसे आंख मारो मारो बाइक से मारो आंख मेरी भी चलो या 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 उसे मारो मारो यस 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 ओ मारो 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 इसे मारो यस 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 कमोन सारी हो अजय शरद सर का कॉल था। एक प्रोड्यूसर है जो राइटर ढूंढ रहा है। ये रहा उसका एड्रेस और फोन नंबर। परसों मिलना है सुबह 9 बजे। Thank you. Hello, sir. Hello. Sir, I'm a writer. Ajay. Sharad sir ने आपको फोन किया था? अरे हाँ 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 हाँ. आओ. पता नहीं है कि एक नई फिल्म बनानी है. जी सर। अब तू बोलेगा कि जितनी फिल्म बनती है वो नहीं बनती है।
गुड जॉक ना जी बैठ बैठ सर एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास सर मेरे पास भी है अब चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूं इसलिए मेरी स्टोरी ज्यादा अच्छी होगी है ना गुड जॉक ये देख ये है हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर उसकी डीवीडी है ये जी इसे दो बार ध्यान से देखना हाँ हिंदी में ट्रांसलेट कर देना और थोड़ा सा मसाला लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी स्क्रिप्ट है सर अरे वो स्टोरी तू रख अपने पास आगे काम आएगी इसको देख चार पांच गानों की सिचुएशन डाल और एक तड़कता फड़कता आइटम सॉन्ग बस हो गई स्क्रिप्ट तैयार गुड जॉब सर गुड जॉब पर ये काम मैं नहीं कर सकता क्यों भाई सब करते हैं सब करते होंगे सर पर ये चोरी है पुत्र बड़ा पोला है तू इसे चोरी नहीं कहते हैं इंस्पिरेशन कहते हैं इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन सर आप जैसे लोगों की वजह से ही हम क्रिएटिव लोग कुछ भी नहीं कर पाते ओए गुड जोक नाउ आई एम नॉट जोकिंग चोरी तो है आप एक काम कीजिए ना ये प्रोडक्शन हाउस भी बंद कर दीजिए और एक किराने की दुकान खोल लीजिए और वहां तराजू में चुंबक चिपकाकर आटे दाल की भी चोरी कीजिए ना सर ओए तू अपने आप को समझता क्या है हैं नाम लगन सलीम जावेद समझता है गुलजार समझता है ए इसको उठाकर बाहर फेंको फेंको मार इसको चोर को अरे छोड़ो यार मैं खुद ही जा रहा हूं पता नहीं कहां-कहां से छोरा उठा के राइटर बनने के लिए चले आते हैं यस वो अजय और फोन क्यों नहीं किया अजय कैसी रही मीटिंग अजय कुछ पूछ रही हूँ मैं अर्जिया एक सेकंड यार लेट मी जस्ट क्रैक द नेक्स्ट लेवल अरे प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ बेवकूफ था वो उसका ऑफर ठुकरा दिया मैंने यस व्हाट वो मुझसे हॉलीवुड की फिल्म कॉपी करवाना चाहते थे यार अजय तुमने फिर से जी यार लेकिन अजय स्टॉप नैगिंग जी यार कॉन्सेंट्रेट करने दो मुझे यस यस Ajay, you and your stupid games! Jia, ye... Tumhe ye game pe nahi, apne kaam pe concentrate karna chahiye. Jia, kar to raha hu. Gaya to tha us producer se milne. Haan, gaye the. Aur usse kaam karne se mana karke aa gaye. But Jia, wo jo karwana chahta tha, wo main nahi karna chahta, yaar. This is not what I've come here for. Oh, really? To kya karna chahte ho? Come on, something different. Kuch unique karna chahta hu. Pehle kuch normal to karo. Lekin wo bhi kaise hoga? Jante ho kyun? Just because of these games. Jia, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था. Jia, he exasperates me. तंग आ चुकी हूँ मैं इससे. Auntie. Jia. अजय 2 महीने 2 महीने में कुछ करके दिखाओ वरना उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करके हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगी तुम्हारा ये फैसला गलत है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया अब तुम्हें क्या करना है तुम सोचो पर जिया अजय याद रखना 2 महीने सिर्फ 2 महीने
मुन्ना इधर आओ, इतने दिनों से मिले क्यों नहीं? अरे चोटे कैसे आई? बाबा ने गुस्से में मारा। उस दिन आपके साथ खेलने में हम बाजार जाना भूल गए, कुछ नहीं कमाया और घर में सबको भूखा सोना पड़ा। अपने बाबा के पास ले चलो। नहीं भैया, आप जाओगे तो बाबा और गुस्सा होंगे और मारेंगे। आप जाओ भैया, हम आपकी तरह रोज खेल नहीं सकते, कमाना पड़ता है तभी घर पर खाना मिलता है। जिया इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। जीतू गाड़ी रोको, अजय को साथ ले लेते हैं। नहीं सर, जगह कम है, अजय और मैं दोनों साथ में नहीं बैठ पाएंगे। जानती हो क्या कह रही हो? अच्छी तरह। वक्त साथ नहीं दे रहा उसका, कम से कम तुम तो साथ दो, एक मौका उसे और दो। जिया दिया है सर, देखना है अजय उसका फायदा उठा पाता है या नहीं। ओके, चलो जीतू। हेलो, हाँ 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 श्योर, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, थैंक यू, जरूर बताऊंगा। ओके ओके। ये क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूं अंकल। I failed. अब मैं जिया का सामना नहीं कर सकता। बेटा, आर्मी का एक प्रिंसिपल है, हार तभी होती है जब हम हार मान लें। You fail only when you quit. ये लो, इन्हें एक राइटर की जरूरत है। Come on, take it. All the best to you. Excuse me. Yes, sir. Which way to 302? साहब, पेड़ा लीजिए। ये किस खुशी में? हमारे साहब ने जुहू में नया फ्लैट खरीदा है, इसी खुशी में। अच्छी बात है। हाँ साहब। साहब, आपको अंदर बुलाया। राइटर जो आया था कैसा था वो? ठीक था। ठीक लगा? हेलो, हाय, आई एम अजय। बैठिए प्लीज। थैंक यू। आई एम विनय शाह। हाय सर। अमन, अमन शर्मा। हाय। हाय अजय, आई एम नेहा सिंह। हाय। आई एम निहाल। हाय, वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। सेम हियर। जी अजय, हम सभी दोस्त हैं और एक फिल्म बनाना चाहते हैं। पैसे तो बहुत है हमारे पास, पर एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है। वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ओके। और हमने बहुत कोशिश भी की, बट बात नहीं बनी। हमें एक प्रोफेशनल राइटर की जरूरत है, यू नो, जो इसे एक सही रूप दे सके। आई अंडरस्टैंड। क्या आप ये काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन व्हाई नॉट। आज तक आपने इससे पहले क्या किया है? So I don't think ये important है कि मैंने क्या किया है। I think जरूरी ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ। I like it। तो आपको दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट को एक बहुत अच्छी स्टोरी बनानी है। कितने दिन चाहिए आपको? 8 दिन, 8 days। Good। जैसे ही आप स्टोरी लाएंगे आपको साइनिंग मिल जाएगा। पूरी फिल्म के 4 लाख, हर स्टेज पर आपको 50-50 हजार मिलते रहेंगे। परफेक्ट।
ये लीजिए हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस यंग मैन, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू अंकल। अगले वीक इन ऑर्बिट मॉल में गेमिंग चैंपियनशिप है, किसी को पार्ट लेना है? Anybody for the championship? अजय तो अब राइटिंग में बिजी हो गया, कोई बात नहीं, चैंपियनशिप के लिए हम दोनों चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। Yes, mind blowing. कमाल का प्लॉट है। सर एक्चुअली आपकी कहानी में बैंक रॉबरी थी, पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सर। Never mind that. बैंक रॉबरी से ज्वेलरी म्यूजियम में चोरी विजुअली ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना नेहा? अजय, तुम्हारी राइटिंग में बहुत फ्रेशनेस है, कुछ बात तो है, गुड थॉट्स। Thank you. You're good. Thank you. है ना विनय? टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? अरे यार पैसे दो और काम बढ़ाओ, मुझे ये स्क्रिप्ट जल्द से जल्द चाहिए। अजय, तुम्हें एक डिसेंट फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के लिए कितना वक्त चाहिए? निहाल, आई थिंक स्क्रीन प्ले के लिए 12 से 15 दिन में हो जाएगा। आई थिंक दैट्स ओके विद अस। अजय, ये 50,000 कैश। Thank you, sir.
हर एक अंदाज चाहत भरा और मासूम है। अंदाज चाहत भरा और मासूम है। जीने की तुमसे मिली है वजह हमको मालूम है। सांसों पे हक है तुम्हारा ये वादा। हाँ ये वादा। ये वादा। हाय अजय। हाय। अजय ये क्या है? याद है उस दिन म्यूजियम में कॉन्स्टेलेशन तक पहुंचने के लिए दो पासवर्ड्स की जरूरत थी? हाँ। या वो एक अल्फाबेटिकल एंड एक न्यूमेरिकल, राइट? करेक्ट। वैसे ही दो पासवर्ड मैंने अपने नए स्क्रिप्ट के लिए ढूंढ लिए हैं। टेल मी। तुम बताओ कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन? अजय बताओ ना अभी। नक्षत्र। ये हुआ अल्फाबेटिकल पासवर्ड। और न्यूमेरिकल? 27, 13, 20। वाओ। समझाता हूँ। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। और इन 27 नक्षत्रों को 13.20 डिग्री की दूरी में बांटा गया है। और ये न्यूमेरिकल कोड। वाओ। अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड। यस। दैट्स अमेजिंग। अजय तुम्हें इतनी एनर्जी वेस्ट करके कोड क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मुझे सिर्फ एक ऑथेंटिक कोड क्रिएट करना था। अगर ये मेरे किसी गेम का कोड होता तो व्हाट? तुम फिर अपने गेम्स के बारे में सोचने लगे? जी आई एम जस्ट समझा रहा हूं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले। थैंक यू मैम। थैंक्स गाइस। क्या स्टोरी है ये फिल्म? इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्सक्यूज मी। या बेब्स, आज रात की पार्टी मत भूलना। या एवरी टाइम। ऐसा करो, इसको अगला इंस्टॉलमेंट भी दे दो। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। या फाइन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गाइस। आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू। बाय। यू आर वेलकम। नाना बेब्स, तुम कुछ भूल रही हो। अ किस ऑन द बेड, अ किस ऑन द टो। कैरी ऑन। आई विल सी यू लेटर।
या बेब्स। लिफ्ट मिस्टर राइटर। दैट बी माय प्लेजर। सो यू आर अ वेरी गुड राइटर, पर मैं तुम्हारे बारे में बस इतना ही जानती हूँ। टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। तुम यहाँ के रहने वाले हो? नो, दिल्लीआइट। जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मेरे डैड के साथ आर्मी में थे। ओह, सो योर पेरेंट्स आर इन दिल्ली? रहते थे, नॉट एनी मोर। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी। एक्सीडेंट, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मॉम डैड तो बचे नहीं, सिर्फ मैं बच गया, वो भी इस चोट के साथ। समवन अप देयर रियली लव्स यू, हां? उसी के भरोसे तो यहाँ आया हूँ, एक सपने के साथ, एक अवार्ड विनिंग राइटर बनने का सपना। मैडम, आपको सिग्नल तोड़ने का शौक है क्या? उस दिन भी रात को आपने सिग्नल तोड़ा था और आज भी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे बातों बातों में ध्यान नहीं रहा। अब बातें बातें छोड़िए, अपना लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। क्या? पर घर पर रह गया लाइसेंस। उस दिन भी आपने यही कहा था। आपके पास लाइसेंस है भी क्या? मैडम प्लीज, आप गाड़ी से नीचे उतरिए। मैडम प्लीज, गाड़ी से नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज, अब नीचे उतरिए। आ रहा है वो। गॉड, चलो। कितने पैसे दिए उसे? रिलैक्स, हर काम पैसे से नहीं होता यार, कम ऑन। बोलना तो चाहिए था, रेड सिग्नल हो गया। कमाल है, आपके आंखों के सामने हुआ और आपने देखा नहीं। बस बस बस, मुझे यही होता है। ओके, टेक केयर देन एंड ड्राइव सेफली। ओके, या बाय। कॉफी सर। जिया, हमारे रिश्ते की वजह कुकीज नहीं है, हमारा प्यार है। तो चलो इस रिश्ते को एक नाम देते हैं। मतलब? So let's get engaged. अजय, माघा हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा ज्येष्ठ मूला पूर्व आषाढ़ा श्रवणा।
तुम अजय कपूर हो? आप इंस्पेक्टर गुप्ते, क्राइम ब्रांच। इतना काफी है कि अपना आईडी कार्ड और एम्प्लॉयमेंट लेटर भी बताऊं? लेकिन क्या बात है ऑफिसर? जब आपसे बात करनी होगी मैं आपको बुलाऊंगा। फिलहाल मैं अजय से बात करना चाहता हूं। पर हुआ क्या सर? म्यूजियम में क्या कर रहे थे? म्यूजियम में तो स्क्रिप्ट पे रिसर्च कर रहा था। स्क्रिप्ट की रिसर्च कर रहे थे कि प्लान बना रहे थे? कैसा प्लान? कॉन्स्टेलेशन चोरी हुआ है। और हमें पूरा यकीन है कि इस प्लान के पीछे तुम मास्टरमाइंड हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं, चलो मेरे साथ। एक मिनट इंस्पेक्टर, तुम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखिए, ना ही ये कोर्ट है और ना ही आप जज। अगर सबूत चाहिए तो कोर्ट में आ जाइए। ओके, चलो चलो चलो। अरे मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था सर। कौन सा लाया? मैंने कुछ किया ही नहीं है जब। मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था यार। अरे अरे हाथ छोड़ो यार, आप लोग ऐसे नहीं ले जा सकते मेरे को। अरे हाथ छोड़ो। अरे चला। यस सर, I'll be there. I'm on the way. संभाल के ले जाना, मैं कमिश्नर साहब से मिल के आता हूँ। यस सर। So what do you think, sir? Gupta, ये तुम्हारी investigations तो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। Thank you, sir. Now we can confidently face the media. कमले, भेज उनको अंदर। इतनी कड़ी सेक्रेटरी से तुम्हें कोई करने वाला जरूर इंटेलिजेंट होगा। सौ करोड़ के हीरे चुराए गए हैं। ये बात मीडिया और पब्लिक से क्यों छुपाई जा रही है? एक मिनट। One person at a time. इतनी प्राचीन और पौराणिक महत्व के हीरे जड़े थे उसमें। वो हमारे देश की धरोहर थे। क्या उसकी सुरक्षा का प्रबंध सही नहीं था? हाँ, ये बात सही है कि कॉन्स्टेलेशन चोरी हुआ है, लेकिन तहकीकात चल रही है इसलिए चंद चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। ओके, इतनी कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम में चोरी करने वाला जरूर इंटेलिजेंट होगा। प्लीज सेव योर जजमेंट। इस आदमी को हीरो मत बनाइए। हाँ। इस वक्त हम आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कहाँ है वो? अरे यार प्लीज ठीक से बैठो ना। ए मदन, प्लीज बोल रहे है। लगता है इस लाइन में नया आया है। Yeah.
यप। शिट। जल्दी से पीछे की तरफ सिक्योरिटी भेजो, ठीक है? मेरे ख्याल से वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचाएगा। शाबाश। लाशें सारी भेज दी है सर, लेकिन अजय फरार हो गया। इसका मतलब यह है कि अजय अकेला नहीं है, उसके और भी साथीदार हैं। हमें उसके सिक्योरिटी पे ठीक तरह ध्यान देना चाहिए था। देखेंगे, सारे खबरियों को उसकी डिटेल्स दे दो, उसके घर पे नजर रखो, जाएगा कहां बच के। बस बेटे, और आंसू मत बहा, अजय को कुछ नहीं होगा, वो जरूर वापस आएगा। आखिर गया कहां होगा अजय? न पुलिस को मिल रहा है, न घर आ रहा है, और तो और उसने हमें कांटेक्ट तक नहीं किया। कहीं उसे कुछ धन, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। भगवान करे उसे कुछ भी ना हो। पर बेटे, 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन 6 साल, उसे वापस आना होगा। जिया के भरोसे पर भरोसा रखिए कर्नल साहब, आई एम श्योर अजय आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ शरद साहब, कि वो जल्द से जल्द लौट आए। शरद सर, आपकी इतनी पहचान है, इतने सोर्सेस हैं, आई एम श्योर आप उसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, जितनी भी फिक्र आप सबको अजय की है, शायद उतनी मुझे भी है। लेटे रहो बेटा,
मैंने ड्रेसिंग की है। वैसे तो मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, डोंट वरी, तुम्हारा इलाज ठीक ढंग से करूंगी। घाव बहुत गहरे हैं, भरने में टाइम लगेगा। इतने दिनों बाद तुम्हें होश आया है, ये बिस्किट खाकर चाय पी लो और आराम करो। आंटी मैं जानती हूँ जाने वाले हो आज। जाना तो है ही ना, इन दिनों में जो आपने मेरे लिए किया है वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। मुझे एक नई जिंदगी दी है आपने। रख लो। नहीं आंटी, ये सब पैसों की कीमत तभी है जब ये किसी के काम आए, वरना ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। चुपचाप रख लो, जीते रहो। जी साहब। क्या है इसमें? पार्सल है। वो तो मैं देख रहा हूँ, इसमें है क्या? कुकी है। ये कुकी कौन है? चेक कर लो ना। ए चेक कर। चल जा। ओके थैंक यू। ये जी है मैडम के लिए। थैंक यू। Thank you.
मैं ठीक हूँ जिया, और तुम? मैं ठीक हूँ अजय, हम सब कितने परेशान थे। ये सब बातें हम मिलके करेंगे जिया, पहले तुम ये बताओ पुलिस का क्या हुआ? पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता है, our phones are being tapped, we are being watched 24/7. सर, सर, जिया के सेलफोन पर कॉल आया है, लगता है अजय बात कर रहा है, माहिम के आसपास से बोल रहा है। तो गाड़ी भेज दे। किसी ने फॉलो तो नहीं किया? नो आई डोंट थिंक सो। इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। अजय वाज स्केर्ड। कैसे 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 ख्याल आते थे मुझे। नाउ व्हाट अजय, क्या सोचा है? पुलिस भी तुम्हें दोषी मान रही है और तुम्हारे फरार हो जाने से उनका यकीन और भी पक्का हो गया है। आई नो, मुझे मेरी मदद खुद को ही करनी पड़ेगी। I'm sure ये काम उन चार प्रोड्यूसर्स का ही है जिनके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी। I always knew I was passionate, but मुझे ये नहीं पता था कि अपनी राइटिंग के पैशन की वजह से मैं असली कोड ही क्रैक कर दूंगा। Everything about them was fake यार, उनका आईडी, उनका नाम, उनका एड्रेस, everything। उन्होंने मेरी इंटेलिजेंस को मेरे खिलाफ यूज किया जिया। They made such a clever plan. गुनेगारों की मदद करने वाले भी गुनेगार होते हैं। आप क्यों अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हैं? अजय को समझाओ कि सरेंडर कर दे ताकि आप उसे सजा दिलवा दें। केस खत्म, फाइल बंद। बगा बगा शिंदे पाटिल, कस लोकांना कळायला लागलं की मुंबई पोलीस काम कसे करतात। एकदम परफेक्ट सांगितलं। देखिए अजय को फसाया गया है। अरे वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट परफेक्ट हो। उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट परफेक्ट थी तभी तो कॉन्स्टेलेशन चोरी हुआ। अजय ने अपने काम के पूरे पैसे लिए होंगे। व्हाट? हमने सुना कि तुमने उसे 2 महीने का टाइम दिया था। क्या करता बेचारा, डेस्परेशन में ये करना पड़ा। प्यार चीज ही ऐसी होती है। आपका इंटेंशन समझ गई ऑफिसर, पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। He's too smart for you. We'll see. वैसे आज तक गुप्ते के हाथों से कोई मुजरिम बचा तो नहीं। You can leave now.
अजय ठीक तो है ना? हाँ सर, लेकिन बहुत परेशान है। वो है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ होगा, पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है वो। और उन चार प्रोड्यूसर्स का कुछ पता चला? नहीं सर, सब नाम पते गलत थे। जी आई थिंक अजय को सरेंडर कर देना चाहिए। उसने कुछ किया नहीं, हम एक अच्छा सा वकील करके उसको निर्दोष साबित कर देंगे। नहीं सर, जब तक उन चारों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, अजय सरेंडर नहीं करेगा। डोंट वरी जिया, सब ठीक हो जाएगा। अजय से कहना अगर उसे मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकता है। ओके, टेक केयर। बेटा इसे देखो, बताओ ये कलर कौन सा है? येलो। बेटा इट्स रेड। येलो तो ये है। नो मम्मा इट्स येलो। नो बेटा इट्स रेड। नो मम्मा इट्स येलो। बेटा इट्स रेड, आर ई डी। ये जो आपने टॉप पहना है ना, दिस इज येलो। ये तो रेड है। नो मम्मा इट्स येलो। आपके पास लाइसेंस है भी क्या? लाइसेंस नहीं है मेरे पास। आपको दिखाई नहीं देता क्या? बोलना तो चाहिए था, रेड सिग्नल हो गया। आपके आंखों के सामने हुआ और आपने देखा नहीं? दिस इज येलो बेटा। ये तो रेड है। दिस इज येलो बेटा। जी हां, मुझे लगता है नेहा कलर ब्लाइंड है। तुम किसी भी तरह आरटीओ की साइट हैक करो। आरटीओ की साइट? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि किसी भी लड़की का लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। That too because of color blindness. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है और करोड़ों में एक लड़की कलर ब्लाइंड होती है। देखो जी, ये हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अजय अपना मेल चेक करो। निहारिका जी यहीं रहती हैं? हाँ साहब, मगर मैडम जी क्लब गई हैं अभी। वो जुहू वाला क्लब? नहीं, जुहू वाला नहीं, अंधेरी वाला क्लब। आप कौन? उनसे कहना उनका राइटर दोस्त आया था। जी सर। हेलो सर, मैं अजय बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है सर। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आकर कहो। सर आऊँगा, पर अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? हमें पता है कि असली गुनहगार तुम हो और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और हमें अपने साथियों का नाम पता बता दो। मेरा कोई साथी नहीं है और जुर्म में मेरा हाथ भी नहीं है। असली गुनहगार तो वो चार प्रोड्यूसर्स ही हैं और उनमें से एक आपको इस वक्त अंधेरी क्लब में मिलेगी। देखो अजय, निहारिका नाम है उसका। क्या? हेलो हेलो, thank you.
अंधेरी क्लब। ओके सर, अंधेरी क्लब से इंफॉर्मेशन है, निहारिका नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ है। क्या नाम बोला? निहारिका। इतनी मुश्किल से दोस्त तक पहुंचा था यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सोचो अजय, कोई बात, कोई आदत, कोई निशानी, अजय कुछ तो होगा जिससे आगे का रास्ता नजर आए। पर कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जिया, अब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। धीरज रखो अजय, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा जिया, कैसे? कोई मिरेकल हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। यू नो समथिंग, मेरा अंजाम यह है कि मैं एक ऐसे गुनाह की सजा पाऊंगा जो मैंने किया भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अजय सुनो, तुम निहारिका के घर पे जाओ और वहां पे तलाश करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। पेड़ा लीजिए। ये किस खुशी में? हमारे साहब ने जो नया फ्लैट खरीदा है।
सर हम निकल चले। ए चली साहब। अरे हां अरे साहब तो साहब ए रुक नहीं। जिया सुनो, तो ऐसे बताओ अब क्या करना है। देखो जिया, मैं उनको पहली बार 10th अक्टूबर को मिला था और उसी दिन उन्होंने जुहू में एक फ्लैट लिया था। अब तुम एक काम करो, तुम किसी भी तरह स्टैम्प ड्यूटी की वेबसाइट हैक करो। बट स्टैम्प ड्यूटी साइट क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीदने वालों की फोटो और फिंगरप्रिंट लेते हैं। तुम किसी तरह फाइंड आउट करो कि 10th अक्टूबर को जुहू में किस किसने फ्लैट लिया था। Guys, let's go. कौनसा कंटेनर? भाई कंटेनर नहीं कॉन्स्टेलेशन। हाँ वही वही। कहाँ है? मुझे कॉन्स्टेलेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे भी फंसाया गया भाई। मैं सिर्फ एक राइटर हूँ। मुझसे स्क्रिप्ट लिखवा के उन्होंने मुझे फंसाया है। उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। मान लिया, मान लिया। छोड़ कंटेनर को। तू मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख, जिससे कि मैं बड़े से बड़ा बैंक लूट सकूं। क्या? बहुत चर्चे हैं तेरे अंडरवर्ल्ड में, हाँ? सने, तो इसका ध्यान रख। ये बहुत शाना है, शातिर है। चलो।
सनी भाई बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, कहाँ से बनवाया? बनवाया नहीं रे शाणे, अपन को स्कॉर्पियन क्लब से मिला क्या? वहाँ के वीआईपी मेंबर्स को एंट्री के वास्ते मिलता है। बड़े बड़े लोग आते हैं ना उधर? तेरे फिल्म इंडस्ट्री वाले भी आते हैं। सनी भाजी एक बात पूछूं आपसे, क्या आपको किसी ने कभी चांस नहीं दिया? आप भी तो एकदम हीरो लगते हो, क्या बॉडी बनाई है, ये 2.5 किलो के डोले, ये फेस, ये हाइट, कमाल है। हाँ सनी भाजी, मेरे स्क्रिप्ट में एक ऐसा रोल है हाँ जो आपको काफी सूट करता है। क्या बात कर रहे ला है? बिल्कुल, वो रोल ना मैं आपको दिलवा सकता हूँ सनी भाई, आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलना क्या करने को है? सनी भाई मेरे को यहाँ से निकलवाने में मदद करो ना प्लीज। कव्वाली सुनेगा? बिल्कुल। घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है ना, मुझे क्या बेवकूफ समझा? ए शाणे यही पड़ा रही हो, अपन अभी पेड़ पे धार मार के आता है, समझा? भैया जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, हमने उन गुंडों को आपको यहाँ लाते हुए देखा था। अरे कोई बात नहीं, जल्दी खोलो पैर, खोलो पैर, आराम से आराम से आराम से, चलो 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 जल्दी आओ जल्दी। जिया मैं ठीक हूँ, आज रात को स्कॉर्पियन क्लब। गुप्ते को बोलना वहाँ एक प्रोड्यूसर आ सकता है, वो आया तो मैं उसे इशारा दूंगा। चिंगारी उड़े उड़े अंगारा, जल गई इश्क के आग में, हाय जब इश्क चिंगारी लग जाए, धड़के जिया जल जाए, हाँ जब इश्क चिंगारी लग जाए, धड़के जिया जल जाए, और हमारे बढ़ जाए प्यार के अगन में, दिल सुलग 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 सुलगा जाए, दिल सुलग 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 सुलगा जाए।
जब यौवन ससुर आ जाए, रूप की कलियां खिल जाए, दिल पगला भी जल जाए, प्यार के अगन में दिल सुलग 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 आ जाए, दिल सुलग 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 आ जाए। जब इश्क चिंगारी लग जाए, धड़के जिया जल जाए, और खुमारी बढ़ जाए, प्यार के अगन में दिल सुलग 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 आ जाए, दिल सुलग 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 आ जाए। सीधा नहीं है जितना हम समझते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? रुपयों की लालच में प्लान बना दिया हो ये तो समझ में आता है, लेकिन उसे देख के ये नहीं लगता कि वो इतने मर्डर कर सकता है, और उन लोगों के मर्डर जिनके मरने से वो खुद फंसेगा। इन लोगों के पीछे कोई और बाप है, बड़ा लंबा चक्कर है। तो सिर्फ एक ही बचा है, निहाल। निहाल कुछ ज्यादा बोलता भी तो नहीं था, मैंने शायद सिर्फ एक बार उसे कुछ बोलते हुए सुना है, सिर्फ एक बार। शायद अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कह रहा था, कुछ अजीब सा ही था। क्या था वो? आज रात की पार्टी मत भूलना नाना बेब्स, तुम कुछ भूल रही हो। याद आया। A kiss on the bed. A kiss on the toe. A kiss on the bed. A kiss on the toe. What does this mean? अधूरी लाइन लगती है। बाकी की लाइन शायद उसकी गर्लफ्रेंड पूरी करती होगी। Anyways, इससे कुछ। Oh shit! Let's get out of here. बेटे। हाय आंटी। हाय अंकल। जिया वहां है। ओके। जिया। कैसा रहा तेरा हॉलिडे? ग्रेट। गेस व्हाट? आई एम गेटिंग एंगेज्ड। ओह रियली? या। सो हूज द लकी गाय? एलेक्स।
He's so mysterious, yeah. I mean, he's my Mr. Right. I'm so sure. Oh, excuse me. Hi. Yeah, I'll be there in 10 minutes. I'm feeling shy. I'll fly. Alex! What was that you just said to him? वो एक कविता है जिसकी पहली लाइन एलेक्स बोलता है और दूसरी लाइन मैं पूरी करती हूँ. I guess on a bed, I feel shy. I guess on a toe, I'll fly. हम दोनों ने मिलकर लिखी है. But that's stupid. But we have fun. Engagement kab hai? Next month. Oh, I have to show you this. Ye dekho. Oh no. Jia, yahi to Nihal hai. Alex, Nihal. Ajay, ab kya? ये विटनेस मिला है। सर मेरा नाम विनायक है। मैंने देखा उस आदमी को जिसने कोर्ट के बाहर उस लड़के पे गोली चलाई। चेहरा पहचानोगे? जी हाँ साहब। गवाही दोगे? जी। This. क्या पुलिस वालों के पास इज्जतदार लोगों पे कीचड़ उछालने के अलावा और कोई काम नहीं है? इज्जतदार? अरे एक मिनट, या मध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन आहे, रिपोर्ट काढा जरा. हो सर. शरद साहेब, दुनिया में कई इज्जतदार लोग हैं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, लेकिन वो तब तक इज्जतदार रहते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता. क्या सबूत है मेरे खिलाफ? है एक चश्मदीद गवाह जिसने आपको अजय पर गोली चलाते हुए देखा है. बकवास. कहाँ है वो गवाह? मिल लीजिएगा कोर्ट में. अच्छा,
कोर्ट तक ले जा पाओगे मुझे? मेरा प्लान तो आपको जेल तक पहुंचाने का है। तो अरेस्ट करो मुझे। फिलहाल नहीं, पर शहर के बाहर मत जाइएगा और अपने गार्ड से कह दीजिएगा कि जब भी मैं आपके घर आऊं चुपचाप दरवाजा खोल दें। और पुलिस की नौकरी है, आधी रात को भी काम करना पड़ता है। ओके? I like his plan. कौन किसे कहां पहुंचाता है ये तो वक्त ही बताएगा। शरद साहेब, आखिर आप मेरे और अजय के प्लान में फंस ही गए। एलेक्स, मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना, क्यों आए हो? क्यों आए हो यहां? सर वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? सर आपका, आपकी फोटो हर अखबार में छपी है। अखबार में छपी हर चीज सही नहीं होती एलेक्स, वो गुप्ते की एक चाल है, मैं जानता हूं। आपके कहने का मतलब यह है कि आपने अजय पर गोली नहीं चलाई? अजय पर गोली चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, जैसे तुम्हारे तीन साथी मारे गए वैसे अजय भी मारा जा सकता है। मैं तो खुद चाहता था कि अजय जिंदा रहे ताकि कॉन्स्टिलेशन की चोरी का इल्जाम उस पर आए, लेकिन मुझे लगता है कि अजय गुप्ते के साथ मिल गया है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिस दिन अजय पर गोली चली मैं अपने यॉट पर फिशिंग कर रहा था। दे कांट प्रूव ए थिंग। थैंक गॉड सर, मैं तो डर ही गया था। सर मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जो कॉन्स्टेलेशन खरीदना चाहता है। मुझे तुम्हारे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। पर सर मैं तो आपके फायदे, मेरे फायदे के बारे में सोचने के लिए। कौन लोग हैं वो? सर वो यूएसए के एनआरआईज हैं। गुड, बैठो बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। एनआरआई यूएसए, यूएसए से। रिकॉर्ड हो चुका होगा। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मैं अंदर जाके देखता हूं। सर मैं भी आता हूं। नहीं तुम यही रुको। एलिस सर, keep this gun, use it if you have to. Okay sir. शहर छोड़ने की कोशिश करेगा शरद। We cannot let him escape. कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, चार प्रोड्यूसर्स, फिल्म की स्क्रिप्ट, रॉबरी की कहानी और कॉन्स्टेलेशन मेरे हाथ में, और मुझ पर किसी का शक भी नहीं हुआ। से ये सब क्यों किया आपने? कॉन्स्टेलेशन,
कॉन्स्टलेशन जैसी खूबसूरत चीज तो कोई बेवकूफ ही छोड़ेगा। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया सर, हमेशा हम दोनों को सपोर्ट किया सर, तो फिर आज इतने बड़े क्राइम में क्यों फंसा दिया सर? प्लीज मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग थे, पर कोड को क्रैक करने के लिए हमें इसकी जरूरत थी। मगर अब ये गुप्ते और एलेक्स के साथ मिलकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था, मतलब मुझे पुलिस की हिरासत में भेजने की कोशिश कर रहा था, तो दैट्स नॉट फेयर। फॉर दैट आई हैव टू किल हिम। गन प्लीज। इन दैट केस सर प्लीज, सर प्लीज, आई एम सॉरी। नो, इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूं मैं जसीना। तो मेरे साथ खेल खेलना चाहते थे ना, तो एक गेम खेलते हैं बेन। अब मैं जिया पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट करूंगा जो 10 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। बॉम्ब को डिफ्यूज करने का एक कोड है और मैं जानता हूं कि तुम कोड्स के चैंपियन हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस बॉम्ब तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मेरे लोग उससे पहले तुम्हें मार देंगे, बट स्टिल ट्राई योर लक, बचा लो अपने प्यार को। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाके शरद को पकड़ो। अगर वो इंडिया से निकल गया ना, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जिया? जिया को कुछ नहीं होगा सर, मैं यहाँ हूँ, आप प्लीज जाइए। Are you sure? Yeah, I'm sure. All the best. अच्छा तुम भी जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसे वक्त पर अकेला छोड़ने के लिए नहीं प्यार किया तुमसे। सोडून पळून जाणार आणि आम्ही टाळ्या वाजवत इथे उभे राहू? सेवक, सेवक, डायलॉग मारता है तो साले की लाश समंदर में। अल्फाबेटिकल कोड नक्षत्र हो सकता है। प्लीज अजय, तुम जाओ यहाँ से, तुम टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। <स्थाथ
कोड नक्षत्र है तो न्यूमेरिकल भी उसी से रिलेटेड होगा। इंजन स्टार्ट करो। यहाँ पे 7 डिजिट सिखा रहे हैं, ये 7 डिजिट क्या हो सकते हैं? मेरा वाला कोड तो होगा नहीं क्योंकि मेरा सिर्फ 6 डिजिट का था। नक्षत्र तो 27 होते हैं, 27। चांद को इन नक्षत्रों के चक्कर काटने में 27.3 दिन लग जाते हैं। यस अच्छा, 2 मिनट बाकी। वेट जिया, वेट प्लीज। जिया वेट अ सेकंड। 3.3, दैट मींस 0.3। 3 ही 7वां डिजिट है, दैट मेक्स इट 27, 3, 13, 20। Get it!